हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं वरुण अवस्थी आप सभी का एक बार फिर से अनअकैडमी एसएससी लाइव में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का दिन आपका अच्छा गया होगा, पढ़ाई आप लोगों ने निरंतर करी होगी। और हाँ, आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले, बहुत दिन के बाद यार बोर्ड पर मुलाकात हो रही, मुझे भी थोड़ा अच्छा लग रहा है, नया लग रहा है, आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। खैर, सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। और जैसा कि वो कहते हैं कि मोहब्बत ऐसे करो कि दिल सवार हो जाए, वो कहते हैं कि मोहब्बत ऐसे करो कि दिल सवार हो जाए, मैं कहता हूँ मोहब्बत ऐसे करो कि देश को तुम पर नाज हो जाए। तो मोहब्बत तिरंगे से करो और ऐसी करो कि देश को तुम पर नाज हो जाए। ठीक है, वो लाइनें हैं ना, कुछ लाइनें कुछ ऐसी हैं जिनको क्या बोलते हैं, जी हाँ, कुछ इस तरीके से कि वतन वालों वतन ना बेच देना, शहीदों के कफन ना बेच देना, शहीदों ने जान दी है वतन के वास्ते, शहीदों के कफन ना बेच देना। तो हमेशा तिरंगे से प्यार करना और बेभाव प्यार करना। कल को कभी भी किसी भी पोस्ट पर जाके पहुंचो तो हमेशा इक्वेलिटी के साथ सर्व करना, कभी भी किसी भी कम्युनिटी की तरफ झुकाव करके फैसला ना देना, ना ही किसी सोसाइटी की तरफ झुकाव करके फैसला देना। फैसला देना निष्पक्ष रूप से, जिसके लिए आप डिजर्व करते हो उस पोस्ट को जस्टिफाई करना हमेशा। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। बिल्कुल छोटे से, नन्हे से, मुन्ने से, प्यारे से क्वेश्चन लेकर आया हूं पॉलिटी के। वही क्वेश्चन है जो कि आपको रिवाइज में बार बार कराता रहता हूं एक सर्टेन टाइम के बाद, क्योंकि यहां से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं लेकिन आप लोगों के क्वेश्चन आज भी गलत होते हैं। तो ये क्वेश्चन गलत ना होने पाए एक बार फिर से कोशिश रहेगी और रुकेंगे 100 क्वेश्चन करने के बाद ही। ठीक है, तो देखते हैं आज क्लास कितने टाइम पीरियड तक चलती है, लेकिन 100 क्वेश्चन करके ही हटेंगे। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, आपको रिवीजन करने में मजा आएगा। और जब आप ये क्लास खत्म कर चुकोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार, कुछ पढ़ा है पॉलिटी में, कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूं फिर से। ठीक है, तो मेरी आवाज क्लियर है ना आप सभी तक पहुंच रही है आवाज, कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं। तो 100 एमसीक्यूज, पॉलिटी का जैकपॉट है हमारे सामने। और हाँ, सुल्तान तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन सुल्तान बनने के लिए गर्दन और इरादे दोनों मजबूत होने चाहिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपके सामने यह है कि हाउ लॉन्ग अ पर्सन शुड हैव प्रैक्टिस्ड इन हाई कोर्ट टू बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन का मतलब मैं हिंदी में आपको समझाने में मदद करता हूं। आपसे क्या बोल रहा है? आपसे कह रहा है कोई भी व्यक्ति जो कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए एलिजिबल हुए है, उसको कम से कम हाई कोर्ट में कितने टाइम पीरियड के लिए सर्व करना होगा। देखो, यहां पर इस क्वेश्चन में यह नहीं बताया गया है कि कितने टाइम पीरियड पर तक किस हिसाब से सर्व करना होगा। यहां पर दो कंडीशन होती है। आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए एलिजिबल तब होते हो जब आप हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल एज ए जज आपने सर्व किया हो, या फिर 10 साल एज ए लॉयर आपने सर्व किया हो। तो यहां पर दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, 5 साल भी और 10 साल भी। लेकिन अगर क्वेश्चन में सिचुएशन दी होती तो, क्वेश्चन में कोई सिचुएशन नहीं दी गई है एज अ लॉयर या एज अ जज फिलहाल, लेकिन आपको पता है कि 5 साल एज अ जज उसे प्रैक्टिस करनी होगी या फिर 10 साल एज अ लॉयर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है ये कौन सा अमेंडमेंट है जिसके तहत दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी डिक्लेयर किया गया था? 47वां संशोधन, 50वां संशोधन, 69वां या फिर 75वां संशोधन? तो आपको ध्यान रखना है 69th अमेंडमेंट के तहत, हमारे संविधान में 69th अमेंडमेंट के तहत दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी डिक्लेयर किया गया था। और दिल्ली भारत की कैपिटल कब बनी, ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछता रहता है। 1911 में दिल्ली भारत की कैपिटल बनी थी, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु अपॉइंटेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है प्रधानमंत्री के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, मतलब प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल को कौन अपॉइंट करता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गवर्नर या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? ध्यान रखना, प्रधानमंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री के मंत्रीगण हो, सभी को कौन अपॉइंट करता है? भारत का राष्ट्रपति ही अपॉइंट करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री की एक कैबिनेट होगी, प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल होगा, यह कौन से आर्टिकल में बताया गया है, तो ध्यान रखना यह आर्टिकल 74 है। आर्टिकल 74 हमें बताता है कि प्रधानमंत्री का एक मंत्रिमंडल होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है,
पॉकेट वीटो इज द पावर ऑफ हुम? पॉकेट वीटो इनमें से किसकी पावर है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर मतलब राज्यपाल, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति? पॉकेट वीटो प्रधानमंत्री की नहीं, माफ करिएगा, प्रेसिडेंट की पावर है। और प्रेसिडेंट के पास पॉकेट वीटो उसकी सबसे बड़ी पावर बोली जाती है। कितनी पावर होती है प्रेसिडेंट के पास पॉकेट वीटो के तहत? तीन तरीके के वीटो होते हैं। पहला होता है आपका एब्सोल्यूट वीटो, दूसरा होता है आपका सस्पेंसिव वीटो, ठीक है, और तीसरा होता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो इन तीनों में सबसे बड़ी पावर है। इसी में जो सस्पेंसिव वीटो है, इसी का दूसरा नाम रेगुलर वीटो भी है। इसी को रेगुलर वीटो के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ध्यान रखना, सस्पेंसिव वीटो बोले या रेगुलर वीटो बोले, बात एक ही है। एब्सोल्यूट वीटो बाकी और पॉकेट वीटो, आपसे पॉकेट वीटो पूछ रहा है, इसलिए आपका आंसर क्या है? राष्ट्रपति। देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं बच्चों वाला, कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कौन सा आर्टिकल हमें बताता है संविधान का? आर्टिकल 52 हमें बताता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। साल 2019 के SSC सीजीएल में पूछा गया था कि कौन सा आर्टिकल है जो कि हमें प्रेसिडेंट के इलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बताता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, कि किस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव कंडक्ट कराया जाएगा। तो यह है आर्टिकल 55, आर्टिकल 55। देखो एक चीज ध्यान रखना, आर्टिकल 54 जो है इसमें राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 54 हमें बताता है कि हमारा जो राष्ट्रपति होगा यह इलेक्टेड होगा, सिलेक्टेड नहीं होगा। इलेक्टेड का मतलब यह कि चुनावी प्रक्रिया के द्वारा यह आएगा। लेकिन 55 हमें बताता है कि अगर इलेक्टेड होगा तो कैसे होगा इलेक्टेड, उस चुनावी प्रक्रिया का प्रावधान क्या है, इनडायरेक्ट इलेक्शन या डायरेक्ट इलेक्शन? तो जैसे कि इसके लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन का प्रावधान है। तो आपसे यह पूछा था आर्टिकल 55, ज्यादातर स्टूडेंट 54 लगा के आ गए थे। अगला क्वेश्चन है विच फंडामेंटल राइट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता है कि फंडामेंटल राइट हमारे सात थे जिनमें से एक को रिमूव कर दिया गया है। और यह कौन सा है जिसको रिमूव कर दिया गया है? राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको संपत्ति का अधिकार बोलते हैं। यह आर्टिकल 31 में लिखा हुआ था, इसको रिमूव करके यहां से शिफ्ट कर दिया गया है आर्टिकल 300A में। तो ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये इस टाइम पर आर्टिकल 300A में लिखा हुआ है। एक चीज और यहां पर चेंज हो गई, राइट टू प्रॉपर्टी जब हमारा 31 में था तो ये हमारा फंडामेंटल राइट था, लेकिन जब इसको शिफ्ट किया गया 300A में तो अब ये हमारा लीगल राइट हो गया है। क्या हो गया है? लीगल राइट। तो दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। एक चीज और यहां पर आपसे दो क्वेश्चन और बनते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछता है कि कब राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट बनाया गया? तो ये था 1978, जनता दल की सरकार आ गई थी यहां पर और पहली बार कांग्रेस ने मेजॉरिटी लूज करी थी भारत में आजाद होने के बाद। और यह कौन सा संशोधन था? तो आपको ध्यान रखना है यह कौन सा संशोधन था, कोई बता सकता है? 42वां या 44वां? इसी में कंफ्यूजन रहता है आप लोगों को। यह 44th अमेंडमेंट था। यहां तक किसी कोई समस्या तो नहीं? कोई भी समस्या तो नहीं यहां तक किसी को? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, निखिल ठाकुर भी हैं क्लास में। निखिल क्या हाल है निखिल, वाह। Which of the following is not a special provision? आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा एक special provision के अंतर्गत नहीं आता है। जम्मू कश्मीर अभी भी special provision के अंतर्गत आता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर में नागरिकता लेने के लिए कम से कम आपको 15 साल वहां पर रहना होगा, या फिर अगर आपने 10वीं और 12वीं वहां से पास करी है तो कम से कम 7 साल रहना होगा, तभी आपको नागरिकता मिलेगी JNK की। मणिपुर का वैली एरिया यह भी स्पेशल प्रोविजन में आता है, आसाम का भी वैली एरिया आता है स्पेशल प्रोविजन में, लेकिन राजस्थान का नहीं आता है। राजस्थान किसी भी तरीके से स्पेशल प्रोविजन में नहीं आता है। सो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अच्छा अगर मैं आपसे कहूं कि राज्यों को स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं, जो स्पेशल प्रावधान दिए गए हैं, ये कौन से आर्टिकल के तहत दिए गए? तो आपका आंसर होगा आर्टिकल 243। आर्टिकल 243 पक्का? पक्का? कोई कंफर्म करेगा इसे? मैं फैसला नहीं सुना रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं, फैसला नहीं सुना रहा हूं। कोई बता सकता है, कोई कंफर्म करेगा स्पेशल प्रोविजन के तहत कौन कौन से प्रावधान है स्पेशल प्रोविजन के लिए, प्रावधान के लिए? बहुत बढ़िया यश श्रीवास्तव, आंसर सही है बेटा। ये जो 243 है ये मैंने लिखा है किसके लिए? पंचायती राज सिस्टम के लिए। और जो स्पेशल प्रोविजन का प्रावधान है वो 371 के लिए है। ज्यादातर लोग बिल्कुल ब्लैंक हो गए थे इस टाइम पे, हो गए थे ना, तो ध्यान रखिएगा 371 स्पेशल प्रोविजन के लिए है और 243 आपका पंचायती राज सिस्टम के लिए है। अब गलती नहीं होनी चाहिए कभी भी।
अगला क्वेश्चन है, हु सेड आर्टिकल 32 इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसने बताया हुआ है? बी आर अंबेडकर, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है यहां पर। और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट आपको फंडामेंटल राइट वायलेट होने पर न्याय दे सकता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज आर्टिकल 32? आर्टिकल 32 है क्या बेसिकली? ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, जिसको हिंदी में संवैधानिक उपचार बोलते हैं। मतलब यह है कि अगर किसी भी व्यक्ति के, किसी भी भारतीय नागरिक के फंडामेंटल राइट का हनन किया जाता है, तो वो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है और सुप्रीम कोर्ट न्याय सुना सकता है आपको। अगला क्वेश्चन है, हु हैज द पावर टू एडजुडिकेट डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट? अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो इनमें से कौन फैसला सुनाएगा, उनका निपटारा करने की पावर किसके पास है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट या सीएजी? ध्यान रखिएगा, यह पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है, केस सीधे सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। अगर केवल राज्य का मामला है तो फिर हाई कोर्ट जाएगा केस, लेकिन जैसे ही केंद्र इन्वॉल्व होगा फैसला सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, ठीक है। और सीएजी हमारे इस टाइम पे कौन है? यह है गिरीश चंद्र मुर्मू। सीएजी के लिए आर्टिकल कौन सा होता है? सीएजी के लिए आर्टिकल है 148, और सीएजी का कार्यकाल क्या होता है? ध्यान रखिएगा, 6 साल का टेन्योर होता है सीएजी का, 6 ईयर का टेन्योर। रिटायरमेंट एज कितनी है? 65 साल रिटायरमेंट एज है। अगला क्वेश्चन है, टू एडजुडिकेट डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, आपसे कह रहा है कि अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में डिस्प्यूट है तो यह फैसला ठीक है सुप्रीम कोर्ट जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाएगा जब यह फैसला, तो यह कौन से ज्यूरिडिक्शन के तहत माना जाएगा? ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, अपीलिंग ज्यूरिडिक्शन, रिट ज्यूरिडिक्शन या फिर एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन? ध्यान रखिएगा, ऐसे केसेस जो कि पर्टिकुलर कोर्ट में ही जाते हैं उनको हम लोग ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के तहत मानते हैं। पर्टिकुलर कोर्ट का मतलब, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई जमीनी विवाद हो जाता है किसी से, आपके पड़ोसी से आपका जमीनी विवाद हो गया या आपके भाई से आपका जमीनी विवाद हो गया, इस केस में वो जो केस है वो सीधे कहां जाएगा? वो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएगा। भाई सीधा तो यार हाई कोर्ट चला नहीं जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएगा। तो आप ये देख रहे हो ये केस सीधा कहां गया? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गया। तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए कैसा केस होगा? ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन होगा। अगर मान लीजिए कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस हार जाते हो, उसके बाद आप कहां का दरवाजा खटखटाओगे? हाई कोर्ट में आप अपील करोगे। अब आप हाई कोर्ट में जब अपील करने जा रहे हो तो उस केस को कंसीडर किया जाएगा अपीलिंग ज्यूरिडिक्शन के तहत। जब भी कोर्ट रिट जारी करके फैसला सुनाता है तो उस फैसले को बोलते हैं रिट ज्यूरिडिक्शन, और एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन उसे बोलते हैं कि जब कोई अपर कोर्ट लोअर कोर्ट को एडवाइज करता है किसी केस में तो उस केस को बोलते हैं एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन के तहत आना। बात आ गई समझ? तो ये 4 अलग अलग ज्यूरिडिक्शन है जो मैंने आपको बताए हुए हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये कौन सा आर्टिकल है जो कि हमें बताता है कि हमें वाइल्ड लाइफ, एनवायरमेंट और फॉरेस्ट, इन सभी को प्रोटेक्ट करके रखना है? तो ध्यान रखिएगा, ये है आर्टिकल 48A जो हमें बताता है कि हमें ये बेसिकली डीपीएसपी के तहत आता है, जो कि हमें ये बताता है हमारे संविधान का ये आर्टिकल कि हमें हमारे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। और वैसे इसका जो प्रावधान है ये आपके फंडामेंटल ड्यूटीज के तहत भी किया गया है, दो जगह इसको प्रोटेक्ट किया गया है। 48A में इसको प्रोटेक्ट किया गया है डीपीएसपी के तहत, और दूसरा इसको प्रोटेक्ट किया गया है आर्टिकल 51 में किसके तहत किया गया है? फंडामेंटल ड्यूटी के तहत। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है राज्यसभा का चेयरपर्सन कौन होता है? राज्यसभा का चेयरपर्सन वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति होता है। अगर आपसे बोले लोकसभा का, ध्यान रखिएगा स्पीकर। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी कमेटी है जिसके द्वारा पंचायती राज सिस्टम को रिकमेंड किया गया था? पंचायती राज सिस्टम को कौन सी कमेटी के तहत रिकमेंड किया गया था, बता सकता है कोई? 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताइए जल्दी से। नो आइडिया, अभी तक आंसर नहीं आया है। अच्छा, आप लोग बाद में सुन पा रहे हैं थोड़ा। बहुत बढ़िया, आंसर आने लगे। योगेंद्र सबसे पहले और सटीक आंसर, ये है बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा पंचायती राज सिस्टम को रिकमेंड किया गया था। अब पंचायती राज सिस्टम को अप्लाई कब किया गया? इसको 1959 में अप्लाई किया गया था पहली बार। कहां पर अप्लाई किया गया था? राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में इसको अप्लाई किया गया था। कहां पर? नागौर डिस्ट्रिक्ट में। एक चीज और ध्यान रखिएगा,
पंचायती राज सिस्टम का पहले क्या नाम था? इसका पहले नाम था सीडीपी। क्या नाम था? सीडीपी। भारत सरकार के द्वारा 1952 में सीडीपी को लॉन्च किया गया था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को। यह कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वही था जिसकी जिम्मेदारी यह थी कि भारत में जो रूरल डेवलपमेंट है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना, हमें अपने गांवों को बेहतर से बेहतर बनाते जाना है। लेकिन सीडीपी बहुत अच्छे से कामयाब नहीं हो पाया। 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी के हवाले सीडीपी को कर दिया गया और इन्होंने इसी के तहत सीडीपी को रिकमेंड किया और इसको थ्री टीयर आर्किटेक्चर में कन्वर्ट किया। थ्री टीयर आर्किटेक्चर का मतलब समझ रहे हैं, सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट, उसके नीचे ब्लॉक और ब्लॉक के नीचे गांव मतलब विलेज। तो इन्होंने क्या कहा, सबसे नीचे की अथॉरिटी रहेगी विलेज, विलेज रिपोर्ट करेंगे, विलेज अथॉरिटीज रिपोर्ट करेंगे ब्लॉक अथॉरिटी को और ब्लॉक अथॉरिटी रिपोर्ट करेंगे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को। तो इन्होंने कहा हम इस तरीके से इसको एक आर्किटेक्चर बना देते हैं, जिसको इन्होंने पंचायती राज सिस्टम का नाम दिया 1959 में। यहां पर 59 कर लीजिए, माफ करिएगा मैंने 58 लिख दिया था। 1959 में इसको भारत में पहली बार लेवाई किया गया था राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम नागरिक किसको बोलते हैं? भारत का प्रथम नागरिक भारत के राष्ट्रपति को बोला जाता है, ही इज द फर्स्ट सिविलियन ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? पहली बात तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए। दूसरी चीज, उसकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए, वो पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये कंडीशंस होती हैं राष्ट्रपति बनने के लिए। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट फर्स्टली एस्टैब्लिश्ड पंचायती राज सिस्टम। ये अभी अभी मैंने आपको बताया था, पंचायती राज सिस्टम को सबसे पहले कौन से राज्य में अप्लाई किया गया? राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में इसको सबसे पहले अप्लाई किया गया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये कौन सा आर्टिकल है जो कि हमें बताता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर। ये कौन सा आर्टिकल है जो कि हमें बताता है कि प्रधानमंत्री के साथ उसका मंत्रिमंडल भी होगा? ये भी ऑलरेडी अभी मैंने आपको बताया था, आर्टिकल 74। कोई बता सकता है ये बड़ा फेमस आर्टिकल आपके सामने लिखा हुआ है आर्टिकल 61। संविधान का आर्टिकल 61 हमें किसके बारे में बताता है? यह राष्ट्रपति के इंपीचमेंट के बारे में बताता है, महाभियोग के बारे में, कि अगर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है तो उसके लिए आपको महाभियोग लाना पड़ेगा, इंपीचमेंट लाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि अगर राष्ट्रपति के लिए महाभियोग लाना है, इंपीचमेंट लाना है, तो यह इंपीचमेंट कहां आएगा? लोकसभा में आएगा या राज्यसभा में आएगा? इंपीचमेंट को आप कहां से ला सकते हो? जैसे एक क्वेश्चन पूछता है कि मनी बिल जो होता है इसको आप कहां ला सकते हो, तो मनी बिल हमेशा लोकसभा में लाया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति के लिए जो इंपीचमेंट है ये या तो आप लोकसभा में ला सकते हो, या तो राज्यसभा में ला सकते हो, या कहीं पर भी ला सकते हो, किसी भी सदन में ला सकते हो, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखिए अभी आपसे कुछ टाइम पहले पूछा था कि प्राइम मिनिस्टर के मिनिस्टर्स को कौन अपॉइंट करता है, तभी मैंने आपको बता दिया था प्रधानमंत्री हो या उसके मिनिस्टर्स हो, सभी को अपॉइंट कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति ही अपॉइंट करता है। अगला क्वेश्चन, विच वन इज ऑल्सो नोन एज पीपल हाउस, इनमें से किसको हम लोग पीपल हाउस के नाम से जानते हैं? पीपल हाउस हम लोग बोलते हैं लोकसभा को, क्योंकि जाहिर सी बात है लोकसभा में जनता सीधे चुनती है लोगों को, क्योंकि यहां पर जनता डायरेक्ट वोट करती है, इस वजह से इसको पीपल हाउस बोला जाता है। लेकिन राज्यसभा को क्या बोलते हैं? इसको काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? काउंसिल ऑफ स्टेट, क्योंकि यहां पर स्टेट के जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो वोटिंग करते हैं यहां पर आने वाले लोगों के लिए। राज्यसभा के लिए वोट कौन करते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स यहां पर वोट करते हैं, लेकिन लोकसभा के लिए जनता वोट करती है, मतलब आप वोट करते हो, ठीक है? इस वजह से इसको पीपल हाउस बोलते हैं। विच आर्टिकल सेज देयर शैल बी अ पार्लियामेंट, ये कौन सा आर्टिकल है हमारे संविधान का जो हमें बताता है कि भारत की एक संसद होगी? तो भारत की एक संसद होगी, ये आर्टिकल 79 बताता है। और आर्टिकल 80 क्या बताता है? आर्टिकल 80 बताता है राज्यसभा के बारे में, और आर्टिकल 81 किसके बारे में बताता है? लोकसभा के बारे में, ठीक है? तो ध्यान रखना लगातार ये तीन आर्टिकल है, 79 पार्लियामेंट, 80 राज्यसभा और 81 लोकसभा, तीनों के बारे में ध्यान रखना, भूलोगे तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं आता किसी को। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन राज्यसभा, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, मतलब अपनी तरफ से अपॉइंट कर सकता है? राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। राज्यसभा में मैक्सिमम कितने सदस्यों का प्रावधान है? 250 सदस्यों का प्रावधान है। 250 मेंबर होंगे जिसमें से 238 मेंबर
कैसे होंगे? इलेक्टेड होंगे, और 12 मेंबर क्या होंगे? सिलेक्टेड होंगे, जिनको राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। ये वो 12 है। एक चीज और ध्यान रखना, इसी तरीके से लोकसभा में 552 मेंबर का प्रावधान है, जिसमें से 550 मेंबर आपके जो होंगे ये इलेक्टेड होंगे, लेकिन ये जो 2 मेंबर होंगे ये सिलेक्टेड होंगे, इनको भी राष्ट्रपति ही अपॉइंट करेगा। लेकिन ये 2 मेंबर पहले एंग्लो इंडियन का प्रावधान था इनमें, किसका? एंग्लो इंडियन का, मतलब आंग्ल भारतीय का प्रावधान था। अब इसको खत्म कर दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 104 अमेंडमेंट के तहत, 104th लेटेस्ट अमेंडमेंट के तहत। ये अमेंडमेंट जनवरी 2020 में ही हुआ है, और उसके तहत लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का प्रावधान खत्म कर दिया गया है। ये 2 सीटें एससी एसटी को दे दी गई हैं। किसको? एससी एसटी को। तो अब ध्यान रखना, राष्ट्रपति अभी भी 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है लोकसभा में, लेकिन एंग्लो इंडियन की सीटों पर नहीं। किस पर? एससी एसटी सीटों पर। कोई समस्या तो नहीं? 20 क्वेश्चन हो गए यहां तक, किसी कोई समस्या तो नहीं है? जल्दी से बताइए, यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर पंचायती राज सिस्टम इनॉग्रेटेड। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको बताया था 1959 में पहली बार पंचायती राज सिस्टम को इनॉग्रेट किया गया था, ठीक है? कोई समस्या ही नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा स्टेट है जहां पर पंचायती राज सिस्टम अप्लाई नहीं होता है? क्या कह रहा है? नहीं होता है। इनमें से राजस्थान में अप्लाई होता है, उत्तर प्रदेश में अप्लाई होता है, महाराष्ट्र में भी अप्लाई होता है, लेकिन मिजोरम एक ऐसा स्टेट है इन चारों में से जिसके वैली एरिया में नहीं अप्लाई होता है अभी भी। मतलब पूरे मिजोरम में नहीं, मिजोरम के कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कि डिस्टर्ब्ड एरियाज हैं, जिनको रिजर्व एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है, जहां पर आर्मी रूल करती है, जहां पर किसी भी तरीके का वायलेंस है। उस तरीके के एरियाज में जाहिर सी बात है हमारी सेनाएं उस टाइम पर मोर्चा संभाल रखा है। जहां पर सेनाएं मोर्चा संभाल लेती हैं, वहां पर क्या आम आदमी चुनावी प्रक्रिया का समापन कर सकता है? नहीं कर सकता, वहां पर इलेक्शन तो हो नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है पंचायती राज सिस्टम यहां पर अप्लाई नहीं होता है, इसलिए मिजोरम इज द राइट आंसर। बाय द वे, मिजोरम में सरकार किसकी है? कॉनरेड संगमा की यहां पर सरकार है। अगला क्वेश्चन है, हु कैन डिसॉल्व लोकसभा? लोकसभा को डिसॉल्व कौन कर सकता है? लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति कर सकता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, वॉट इज द अपर लिमिट ऑफ लोकसभा मेंबर? अभी अभी मैंने आपको बताया 552 मेंबर्स का प्रावधान यहां पर होता है, अपर लिमिट, मैक्सिमम लिमिट है लोकसभा की। अगर मैं आपसे पूछूं लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर्स का प्रावधान है, विधानसभा में कितने मेंबर्स का प्रावधान है, तो ध्यान रखिएगा 500 सदस्यों का प्रावधान होता है, 500 मेंबर्स, ओके? और यहां पर एक क्राइटेरिया है, मिनिमम 60 मेंबर और मैक्सिमम 500, 60 से 500 के बीच में हो सकते हैं। लेकिन कुछ स्टिल हमारे ऐसे राज्य हैं जहां पर 60 से भी कम मेंबर है, वो इस वजह से क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन कम है, जैसे कि इसमें आपका गोवा आ जाता है, सिक्किम आ जाता है, ये ऐसे कुछ राज्य हैं जिनको स्पेशल प्रोविजन के तहत 60 से भी कम मेंबर्स पर स्वीकृति दी गई है, ठीक है, विधानसभा में। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा? ये कौन सा राज्य है जहां पर लोकसभा के सबसे ज्यादा सदस्य है? जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश है, सबसे ज्यादा। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन भी तो है, करीब 23 करोड़ हो गई है पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा के मेंबर सबसे ज्यादा हैं, राज्यसभा मेंबर भी उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा है। अगर आपसे पूछता है कितने लोकसभा मेंबर हैं, 80। अगर पूछता है राज्यसभा मेंबर कितने हैं, 31, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज नोन एज परमानेंट बॉडी ऑफ पार्लियामेंट? इनमें से किस बॉडी को पार्लियामेंट की परमानेंट बॉडी के नाम से जाना जाता है? यह कौन सी परमानेंट बॉडी है? जाहिर सी बात है यह है राज्यसभा। लोकसभा को टेम्परेरी हाउस बोलते हैं क्योंकि इसका 5 साल का कार्यकाल होता है, वैसे राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है, लेकिन यहां पर 2-2 साल का प्रावधान होता है, ये तो पता ही होगा ना सबको। ये जो 6 साल है ये 2-2 साल में डिवाइडेड होते हैं, और हर 2 साल में 1/3 मेंबर होते हैं यहां पर। तो ये वाले जो मेंबर होते हैं ये अपने बाकी के 6 साल कंप्लीट कर चुके हैं, 2 ये 2 ये 2 ये, टोटल 6 हो गए, तो इस साल ये क्या होंगे, रिटायर हो जाएंगे। ये वाले इधर आ जाएंगे, ये वाले इधर आ जाएंगे, और इनकी जगह पर 1/3 मेंबर नए आ जाएंगे बाहर से। जैसे आपके कॉलेज में चलता है ना भैया, कि थर्ड ईयर वाले बाहर निकल जाते हैं, सेकंड ईयर वाले थर्ड में चले जाते हैं, फर्स्ट ईयर वाले सेकंड में आ जाते हैं, और फर्स्ट की जगह फ्रेशर आ जाते हैं, सेम यहां पर चलता रहता है। इस वजह से डिसॉल्व नहीं हो सकता है, ये परमानेंट हाउस कहलाता है।
अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। बिल्कुल सिंपल है, अब तो आपको पता है 31 सीटें हैं राज्यसभा में, उत्तर प्रदेश। स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाय होम। ये क्वेश्चन कई बार परेशान कर देता है स्टूडेंट को कि जो लोकसभा का स्पीकर है इसको कौन इलेक्ट करता है, प्रधानमंत्री की काउंसिल, राष्ट्रपति, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस, या फिर मेंबर ऑफ लोकसभा। ध्यान रखिएगा, स्पीकर को लोकसभा के मेंबर्स में से ही इलेक्ट किया जाता है। और एक चीज और, जो ये स्पीकर होता है, स्पीकर कौन होता है, ये कहां से चुना जाता है, ये लोकसभा के मेंबर्स में से ही एक मेंबर होता है। जितने भी लोकसभा मेंबर होंगे उन्हीं में से एक सदस्य उठकर स्पीकर बनेगा। बात आ रही है समझ? ओके, तो इसको लोकसभा के मेंबर्स ही आपस में मिलकर चुनते हैं और स्पीकर की पोस्ट पर बिठाते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां पर कई आप लोगों को कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर में क्या अंतर होता है। स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर, देखिए स्पीकर के साथ डेप्यूटी स्पीकर भी होता है। डेप्यूटी स्पीकर जो है ये स्पीकर का सबऑर्डिनेट है, मतलब कहने का डेप्यूटी स्पीकर रिपोर्ट करता है स्पीकर को, या फिर आप ये बोल सकते हो कि स्पीकर रिपोर्ट लेता है डेप्यूटी स्पीकर से। लेकिन प्रोटेम स्पीकर को आप स्पीकर से ऊपर की पोस्ट भी मत समझिए, ना ही नीचे की पोस्ट समझिए, ये इसके बराबर की पोस्ट है, लगभग स्पीकर के बराबर की पोस्ट है प्रोटेम स्पीकर। लेकिन दोनों में अंतर यह है कि जब स्पीकर अपनी सीट पर नहीं होता तो लोकसभा का संचालन करने के लिए प्रोटेम स्पीकर स्पीकर की पोस्ट पर एक्टिंग स्पीकर के रूप में आ जाता है। बात आ गई समझ? क्या कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए कि हमारे स्पीकर किसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने दूसरे देश में चले गए, तो क्या तब तक लोकसभा के सेशंस नहीं चलेंगे? तब जैसे ही वो दूसरे देश में गए हुए हैं उस टाइम तक के लिए, जब तक वो वापस नहीं आ जाते, प्रोटेम स्पीकर स्पीकर की पोस्ट को सर्व करेगा। ओके, लेकिन कहने का मतलब यह है कि जब तक स्पीकर अपनी पोस्ट पर रहेगा तब तक प्रोटेम स्पीकर का काम नहीं है। ओके, एक चीज और, स्पीकर अपना रेजिग्नेशन किसको देता है? स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर को ही अपना रेजिग्नेशन देता है, और डेप्यूटी स्पीकर किसको देगा? ये स्पीकर को देगा। दोनों में वाइस वर्सा है, ध्यान रखिएगा, सेम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति वाला। जैसे कि प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति भी अपना रेजिग्नेशन राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, तो सेम यहां पर भी वाइस वर्सा है दोनों में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑफिस पीरियड ऑफ राज्यसभा। अभी आपको मैंने बताया 6 साल का कार्यकाल होता है और लोकसभा का 5 साल का कार्यकाल होता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा स्पीकर सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन टू होम। यह भी अभी अभी मैंने आपको बताया कि लोकसभा का जो स्पीकर है यह अपना रेजिग्नेशन, यह अपना त्याग पत्र किसको देगा? डेप्यूटी स्पीकर को देगा। ठीक है, 30 क्वेश्चन हो गए, यहां तक कोई समस्या तो नहीं किसी को? बताइए जल्दी से, यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं? हैप्पी रिपब्लिक डे, आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। कोई समस्या तो नहीं यहां तक किसी को? बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग का चेयरपर्सन हमेशा प्रधानमंत्री होता है, ध्यान रखिएगा। और नीति आयोग का वाइस चेयरपर्सन कौन होता है? वाइस चेयरपर्सन कोई भी हो सकता है, इसके लिए पर्टिकुलर प्रावधान नहीं है। और इस टाइम पर नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के चेयरपर्सन है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एज, कर दीजिए यहां पर मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 साल उम्र होनी चाहिए। यहीं पर सारे डाउट मैं आपके क्लियर कर देता हूं। 25 साल आपकी लोकसभा का सदस्य बनने के लिए होनी चाहिए, साथ में लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य बनने के लिए होनी चाहिए, मतलब विधानसभा का मेंबर बनने के लिए। 30 साल जो है ये आपकी राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए होनी चाहिए उम्र, या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनने के लिए होनी चाहिए, जिसको विधान परिषद बोलते हैं। और 35 साल किसके किसके लिए होनी चाहिए? राष्ट्रपति बनने के लिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए, और गवर्नर मतलब राज्यपाल बनने के लिए। इन तीनों के लिए 35-35 साल उम्र होनी चाहिए। 21 साल कम से कम किसके लिए होनी चाहिए? पंचायती राज सिस्टम के लिए। कोई समस्या तो नहीं आ तक किसी को? तो इतना आपको ध्यान रखना है, कम से कम मिनिमम एज। कुछ रिटायरमेंट एज भी मैं आपको यहां पर बताता हूं जिसमें आपको कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर आप ऐसे सीधे से ध्यान रखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज 65 साल होती है। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम्स में। हाई कोर्ट का
कि जज की रिटायरमेंट एज 62 साल होती है, ठीक है। फाइनेंस कमीशन का जो चेयरपर्सन है, रिटायरमेंट एज 65 साल होती है। सीएजी की रिटायरमेंट एज 65 साल होती है, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिटायरमेंट एज 65 साल होती है, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की रिटायरमेंट एज एनए कुछ नहीं होती है, कोई प्रावधान नहीं है। ये क्या हो गया यहां पर? अरे अरे अरे, खैर मैं ये बोल देता हूं, 65 साल होती कुछ नहीं होती है, ठीक है। हमारे संविधान के तहत अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रिटायरमेंट की कोई भी एज नहीं है, वो विद द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट रहता है, वो जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक वो अपनी पोस्ट पर रहेगा, ठीक है, कोई समस्या तो नहीं आता। अगला क्वेश्चन, हु जनरली डज नॉट वोट इन लोकसभा बिकॉज हिज वोट इज डिसाइसिव। आपसे कह रहा है इनमें से कौन व्यक्ति है जो कि जनरली लोकसभा में वोट नहीं करता है क्योंकि इसका वोट निर्णायक माना जाता है, डिसाइसिव माना जाता है। क्या हो गया इसको? अब ठीक है, इनमें से कौन सा व्यक्ति है जो कि वोट नहीं करता है लोकसभा में क्योंकि इसका वोट निर्णायक माना जाता है? यह है स्पीकर। स्पीकर वोट नहीं करता है, यह केवल टाई के केस में वोट करेगा। किस केस में? टाई के केस में वोट करेगा। मतलब कहने का यह है राहुल गांधी और यह है नरेंद्र मोदी, दोनों किसी, मान लीजिए लोकसभा में दोनों किसी आधार पर खड़े हुए हैं। अब 50 वोट इनको मिल गए, 50 वोट इनको मिल गए, इस केस में लोकसभा स्पीकर आके वोट करेगा, ठीक है। अगर इसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट कर दिया तो जाहिर सी बात है ये जीत जाएंगे, ओके। तभी इसके वोट को क्या बोला जाता है? डिसाइसिव बोला जाता है, निर्णायक बोला जाता है इसके वोट को, ठीक है। और इसके वोट को हम लोग पॉलिटिक टर्म में क्या बोलते हैं? इसको हम लोग कास्टिंग वोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कास्टिंग वोट। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है स्पीकर के वोट को हम लोग क्या बोलते हैं? इसके वोट को हम लोग कास्टिंग वोट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू प्रेसिडेंस द स्पीकर हैज एन इक्वल रैंक टू हुम। आपसे कह रहा है कि अगर हम ऑर्डर के फॉर्म में देखें तो जो स्पीकर है, स्पीकर की रैंक किसके बराबर मानी गई है? प्रधानमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, राष्ट्रपति या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? चलिए, अच्छा ये आपसे मैं पूछना चाहता हूं, मुझे पता कई लोग गच्चा खाएंगे इसमें, बताइए जरा जल्दी से, क्विक। मैंने क्या पूछा है कि इन ऑर्डर के फॉर्म में स्पीकर की रैंक इनमें से किसके बराबर मानी जाती है? बहुत बढ़िया, ज्यादातर लोगों के आंसर सही आ रहे हैं। कुछ तो प्रधानमंत्री बोले दे रहे हैं यार, ऐसे कैसे काम चलेगा, इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? प्रधानमंत्री के बराबर स्पीकर की पोस्ट कैसे हो जाएगी? कैसे हो जाएगी? वो पूरी कैबिनेट का अध्यक्ष है भाई, वो पूरी कैबिनेट को रिप्रेजेंट करता है, पूरी कैबिनेट का लीडर है प्रधानमंत्री, उसके बराबर कैसे हो सकता है? प्रधानमंत्री एलिमिनेट, कैबिनेट मिनिस्टर, राष्ट्रपति को भी एलिमिनेट कर दीजिए, जाहिर सी बात है राष्ट्रपति वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसके साथ तो बराबरी है ही नहीं किसी की। हमारे संविधान ने सबसे ज्यादा पावर राष्ट्रपति को ही दिए हुए। सवाल उठता है सीजीआई में या कैबिनेट मिनिस्टर में, यहीं पर कंफ्यूजन है। देखो, कैबिनेट मिनिस्टर मैं आपकी बात मानता हूं कि स्पीकर के बराबर ही आप इस तरीके से मान सकते हो कि जो स्पीकर है वो भी एक तरीके से लोकसभा का ही मेंबर है ना, ठीक है, मान लिया मैंने। लेकिन ध्यान रखिएगा, वो लोकसभा का अध्यक्ष है, ऐसे स्पीकर क्या है, लोकसभा को लीड कर रहा है, वो लोकसभा का लीडर है एक तरीके से। कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर अगर उसको दे दिया जाएगा सीक्वेंस ऑर्डर, तो उस केस में वो कैबिनेट मिनिस्टर को वहां फैसला कैसे सुना पाएगा, मुझे बताइए। सब लोग उसे सुनेंगे क्यों अगर वो लीडर नहीं होगा फिर, ठीक है। तो इसकी जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है सीजीआई के बराबर मानी जाती है, ठीक है। अगला यहां पर क्वेश्चन है हमारा, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली कैन मेक लॉज ऑन। आपसे कह रहा है दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो किसके लिए कानून बना सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है यूटी में आ जाती है, वहां पर ना ही ये लैंड के लिए कानून बना सकते हैं, ना ही ये पुलिस के लिए कानून बना सकते हैं। दिल्ली सरकार सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के लिए कानून बना सकती है, ठीक है। थर्ड वन मतलब पब्लिक के लिए स्कीमें वगैरह जैसे लॉन्च होती हैं, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है दिल्ली यूटी में कंसीडर करी जाती है डेवलप्ड होने के बाद भी, जस्ट बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। तो दिल्ली की पुलिस, इसीलिए तो आप देखते हो ना, केंद्र की पुलिस है ना, आप सीपीओ का एग्जाम देते हो तो दिल्ली पुलिस में जब सिलेक्ट होते हो तो आप केंद्र सरकार के नौकर हुए ना, आप दिल्ली सरकार के तो नौकर नहीं होते ना उस टाइम पर,
तो कहने का मतलब केवल तीसरे कंडीशन में लॉज बना सकते हैं, ना ही पुलिस में ना ही लैंड में। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग देम टेक ओथ टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज। इनमें से कौन सा व्यक्ति है जो कि ऐसी शपथ लेता है कि हम संविधान को भी सुरक्षित रखेंगे और साथ में उसके द्वारा बनाए हुए नियमों को भी पालन भी करेंगे और उसको सुरक्षित भी रखेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, सीजीआई लेता है ये शपथ, ठीक है। बाकी सभी लोग जो शपथ लेते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब शपथ लेते हैं कि मैं संविधान के प्रति अपनी निष्ठा रखूंगा, ठीक है, कर्तव्य परायण रहूंगा। लेकिन जितने भी जुडिशरी के जजेस होते हैं वो सब ओथ में ये बोलते हैं कि मैं संविधान के प्रति कर्तव्य परायण तो रहूंगा ही रहूंगा, साथ में उसकी रक्षा भी करूंगा। यहां पर उसी की बात हो रही है, इसलिए सीजीआई इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, देयर आर हाउ मेनी हाई कोर्ट्स इन इंडिया। भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? भारत में पहले 24 हाई कोर्ट थे, अब 25 हाई कोर्ट हैं। जो लेटेस्ट हाई कोर्ट है वो आपका आंध्र प्रदेश का अमरावती हाई कोर्ट बना हुआ। अगला क्वेश्चन है, विच हाई कोर्ट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ बेंचेस। ये कौन सा हाई कोर्ट है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ बेंचेस है? तो आपका आंसर क्या होगा, ये है गुवाहाटी हाई कोर्ट। पूरे भारत में गुवाहाटी हाई कोर्ट में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ बेंचेस है। बेंचेस का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? जैसे किसी हाई कोर्ट में 100 जज हैं, तो 100 जज की मान लो 20 बेंच बना दी गई, 5-5 जजेस की बेंच बना दी गई, ठीक है, तो कितनी बेंच हो गई, 20 बेंच हो गई। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो जजेस का ग्रुप बना दिया जाता है। ये ग्रुप क्यों बनाए जाते हैं? इन बेंचेस में केसेस को डिवाइड कर दिया जाता है कि भाई अगर लैंड से जुड़ा हुआ मामला है, लैंड डिस्प्यूटेड केस है, तो आप इतने नंबर बेंच में जाइए। अगर डाउरी से रिलेटेड केस है तो आप इतने नंबर बेंच में जाइए। अगर कोई क्रिमिनल मैटर है तो आप इतने नंबर बेंच में जाइए। इस तरीके से बेंचेस को डिवाइड कर दिया जाता है। अदरवाइज तो यार पूरे 100 जज एक साथ बैठ के अगर सुनेंगे एक ही केस को, तब तो फिर हो चुका ना, फिर तो कल्याण हो चुका। अगला क्वेश्चन है, विच हाईकोर्ट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस। इस टाइम पर यह कौन सा हाईकोर्ट है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जजेस है? तो आपका आंसर होगा इलाहाबाद हाईकोर्ट। करीब 160 के आसपास जजेस है यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम वाइस प्रेसिडेंट। ये तो अभी अभी मैंने आपको बताया, उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए? मिनिमम 35 साल उम्र होनी चाहिए। देखिए, उपराष्ट्रपति के लिए आर्टिकल कौन सा होता है? आर्टिकल 63 कॉन्स्टिट्यूशन का हमें बताता है, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति की सैलरी कितनी है इस टाइम पर? 4 लाख, 4 लाख पर मंथ उपराष्ट्रपति की सैलरी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 62 हमें क्या बताता है? यह हमें प्रेसिडेंट के ऑफिस फिलर के बारे में बताता है। आर्टिकल 62 हमें बताता है कि अगर राष्ट्रपति अपनी पोस्ट पर नहीं है तो उपराष्ट्रपति उसकी पोस्ट पर आ जाएगा। लेकिन मैक्सिमम कितने दिन के लिए? मैक्सिमम इस 180 दिन के लिए वो आ जाएगा पोस्ट पर। मतलब मैक्सिमम 6 महीने के लिए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की पोस्ट को सर्व कर सकता है, दैट्स इट। उसके बाद नहीं। इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगले 6 महीने के अंदर अगला राष्ट्रपति नियुक्त करा के वो लाए। बात आ रही है समझ? ओके, जैसे ही उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की पोस्ट पर आएगा उसको सैलरी राष्ट्रपति की ही मिलेगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और राष्ट्रपति की सैलरी कितनी है? 5 लाख रुपया प्रतिमाह। एक चीज और ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति जब तक राष्ट्रपति की पोस्ट पर रहेगा इसको सारी फैसिलिटीज राष्ट्रपति वाली मिलेगी, इसको सारी सैलरी भी राष्ट्रपति वाली मिलेगी। लेकिन जैसे ही वो वापस अपनी पोस्ट पर जाएगा, क्योंकि जब नया राष्ट्रपति आ जाएगा तो वापस जाएगा ना अपनी पोस्ट पर, तो उसकी सारी फैसिलिटीज और सैलरी फिर से उपराष्ट्रपति वाली हो जाएंगी। कोई समस्या हो यहां तक तो बताओ, 40 क्वेश्चन हो चुके हैं, कोई समस्या हो तो बताओ जल्दी से। बताइए जल्दी से, ये कौन है भाई? सर ये अच्छा, कोई कह रहा है कि क्वेश्चन रिपीटेड है। हाँ भाई, क्वेश्चन रिपीटेड है, क्लास में शुरू से आ जाया करो, इतना कंफ्यूजन ही ना रहे। क्लास शुरू होने से पहले ही बता दिया था कि रिपीटेड क्वेश्चन है। कोई समस्या तो नहीं, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सुल्तान को मोहब्बत बख्शो यार, मोहब्बत बख्शो, ठीक है। आज हम सुल्तान बन गए हैं। ये ताज हमारे सर पर है, आज मैं बहुत खुश हूं। ये ताज कल तक हमारे अबू जान के सर पर हुआ करता था। ये ताज है बेवफा, कल तक तुम्हारे अबू जान के सर पर हुआ करता था, आज हमारे सर पर है, अब तुम्हारे सर पर।
तो आओ इस अजीम मौके पर सुल्तान को बेपनाह मोहब्बत बख्शो बख्शो। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट इज इश्यूड टू रेस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस विच ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू। क्वेश्चन का मतलब समझो क्या बोल रहा है, आपसे कह रहा है कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसने पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रखा हो, मतलब सरकारी नौकरी पर कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जिसके लिए वो डिजर्व ना करता हो, उसके लिए कोर्ट के द्वारा कौन सी रिट जारी करी जाएगी। आंसर करिए जल्दी से, जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए, विच वन इज द करेक्ट आंसर। ज्यादातर लोग थर्ड वन आंसर कर रहे हैं और बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है क्यू वारंटो। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जिसने पब्लिक ऑफिस को होल्ड किया हो जिसके लिए वो डिजर्व ना करता हो। ऐसा मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति जिसकी सरकारी नौकरी लगी है लेकिन कल को इंक्वायरी बैठती है तो पता लगता है कि उसने घूस देके नौकरी ली है, इस केस में कोर्ट के द्वारा उसे क्यू वारंटो दिया जाएगा। क्यू वारंटो को हिंदी में बोलते हैं अधिकार प्रक्षा। कोर्ट इसके तहत यह बोलती है कि आप जिस पोस्ट को होल्ड किए हुए हैं आप उसके लिए डिजर्व नहीं करते हैं, उसको आप अत्यंत प्रभाव से छोड़ दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यह कौन सा हमारा फंडामेंटल राइट है जो कि प्रोटेक्ट करता है फोर्स्ड लेबर के बारे में, कि 14 साल तक के बच्चों से आप काम नहीं करा सकते किसी भी तरीके की फैक्ट्री में। इसको बोलते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और शोषण के विरुद्ध अधिकार हमें आर्टिकल 23 और 24 में बताए गए हैं। 23 हमें बताता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग इलीगल के बारे में और 24 हमें बताता है कि 14 साल तक के बच्चे फैक्ट्रियों में काम नहीं कर सकते। राइट टू रिलीजन कौन कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक, और राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। अगला क्वेश्चन है, फर्स्टली देयर वर हाउ मेनी फंडामेंटल राइट। पहले हमारे 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, अभी कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। हु अपॉइंट्स गवर्नर, आपसे कह रहा है राज्यपाल को कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, राष्ट्रपति ही अपॉइंट करता है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि गवर्नर का ऑफिस टर्म क्या होता है, इसका कार्यकाल कितना होता है, ध्यान रखिएगा प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस मत समझ लेना इसको, विद द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक वो अपनी पोस्ट पर रहेगा। अगला क्वेश्चन, हाईकोर्ट जजेस आर अपॉइंटेड बाई हूम, हाईकोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करता है, राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाईकोर्ट हो, दोनों के जजेस को अपॉइंट कौन करता है, राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। लेकिन अगर पूछा जाए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है, आंसर होगा गवर्नर, राज्यपाल अपॉइंट करता है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज मिलिट्री पावर, इनमें से किसके पास मिलिट्री पावर है, राष्ट्रपति के पास मिलिट्री पावर होती है, इंडियन आर्मी नेवी और एयरफोर्स तीनों का सुप्रीम कमांडेंट होता है राष्ट्रपति, तभी आप देखते हो चाहे स्वतंत्रता दिवस हो चाहे गणतंत्र दिवस हो, हर किसी ओकेशन में आप देखते हो हमारी सेनाएं गार्ड ऑफ ऑनर राष्ट्रपति को ही देती हैं। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंडेड बाई एनी ऑर्डर इन केस ऑफ एमरजेंसी, आपातकाल की भी स्थिति में कौन सा आर्टिकल है जो कि सस्पेंड नहीं हो सकता। राइट टू लिव, जीवन जीने का अधिकार, आर्टिकल 20 और 21 ये सस्पेंड नहीं हो सकते, बाकी सस्पेंड हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ प्रेसिडेंट रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट देन हु विल सर्व देयर पोस्ट एट दैट टाइम। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर राष्ट्रपति रिजाइन कर देता है तो उसकी पोस्ट को सर्व कौन करेगा, अभी अभी बताया था उपराष्ट्रपति करेगा। और ऑफिस फिलर के लिए आर्टिकल कौन सा होता है, आर्टिकल 62 ऑफिस फिलर के बारे में हमें बताता है कि उपराष्ट्रपति उस पोस्ट पर आएगा लेकिन कब तक, अगले 6 महीनों तक मैक्सिमम, उसके आगे वो सर्व नहीं कर सकता है। और अगर उपराष्ट्रपति भी ना हो उस टाइम पर तो कौन सर्व करेगा राष्ट्रपति की पोस्ट को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और अगर सीजीआई भी ना हो तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीजीआई के बाद जो भी सीनियर जज होगा वो सर्व करेगा। हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया, भारत का एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है। देखो यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ रहा है एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया, ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव की जब बात करी जाती है तो यहां पर पीएमओ की बात हो रही है, कार्यपालिका पीएमओ को ही तो बोलते हैं, तो मतलब कहने का यहां पर बात हो रही है किसकी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की। पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस होता है और कार्यपालिका इसी के काम को बोलते हैं,
लेकिन यहां पर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, आप लोग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोल देते हो। वो दूसरा क्वेश्चन है जिसमें लिखा रहता है हु इज द यूनियन हेड ऑफ इंडिया। यूनियन हेड, यूनियन किसको बोलते हैं? संघ को बोलते हैं, और हमारे संविधान में संघ पूरे भारत को बोला गया है। तब जाकर आपका आंसर राष्ट्रपति होगा, ध्यान रखिएगा। दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए, कोई समस्या तो नहीं? आई होप मैं आपको समझा पाया हूं, गलती यहीं पर होती है। अगला क्वेश्चन, हु इज द सुप्रीम कमांडेंट ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस। इंडियन आर्म फोर्सेस का सुप्रीम कमांडेंट कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आपसे कह रहा है ये कौन सा आर्टिकल है जो कि हमें छुआछूत के विरुद्ध अधिकार के बारे में बताता है? ये है आर्टिकल 17, छुआछूत के विरुद्ध अधिकार के बारे में बताता है। आर्टिकल 16 एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में बताता है। आर्टिकल 18 एबोल्यूशन ऑफ टाइटल, मतलब पदों को खत्म कर दिया गया, उसके बारे में बताता है। और आर्टिकल 19 किसके बारे में बताता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में, अभिव्यक्ति की आजादी। कोई समस्या तो नहीं यहां तक? जल्दी से बताइए, कोई समस्या तो नहीं है? बहुत बढ़िया। मोहब्बत का दर्द बड़ा जानलेवा होता है पूजा जी, अगली बार मोहब्बत करिएगा तो जरा सोच समझ कर करिएगा। चलिए यहां पर देखिए, एक क्वेश्चन अभी आपसे बन सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंटरनेट का यूज कौन से आर्टिकल के तहत आपका फंडामेंटल राइट बताया गया है? तो इंटरनेट का यूज आर्टिकल 19 के ही तहत आपका फंडामेंटल राइट है। इंटरनेट आपको मिलना चाहिए, यह आपका फंडामेंटल राइट है। अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह वर्डिक्ट कर दिया गया है, आर्टिकल 19 के तहत इसको फंडामेंटल राइट बताया गया है। अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल हैज प्रोविजन रिलेटेड टू एक्सप्लॉइटेशन ऑफ चिल्ड्रन। कौन सा आर्टिकल हमें बताता है बच्चों के विरुद्ध शोषण के अधिकार के बारे में? तो शोषण का अधिकार जाहिर सी बात है 23 और 24 बताते हैं, तो यहां पर 24 है। 24 आपको किसके बारे में बताता है? कि 14 साल तक के बच्चों से आप फैक्ट्रीज में काम नहीं करा सकते, फोर्स लेबर नहीं करा सकते। सिक्किम वॉज मेड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया अंडर विच अमेंडमेंट। संविधान का यह कौन सा संशोधन है जिसके तहत सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया? संविधान के 36वें संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया। कौन से ईयर में बनाया गया? 1975 में बनाया गया। सिक्किम में पी एस तमांग की सरकार है, और यहां पे गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। यह कौन सा देश है जो कि इनमें से ड्यूअल सिटीजनशिप की पॉलिसी को एक्सेप्ट करता है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान रखता है? कौन सा कंट्री है ये? ये है अमेरिका। अमेरिका दोहरी नागरिकता का प्रावधान रखता है, ड्यूअल सिटीजनशिप। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का यह कौन सा भाग है जिसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है, मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है? तो पार्ट वन में बताया गया हमें किसके बारे में? यूनियन के बारे में। ठीक है, पार्ट वन आपका कब से कहां से कहां तक है? 1 से लेकर 4 तक। पार्ट टू आपका सिटीजनशिप के बारे में बताता है, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। इसके बाद आपका पार्ट थ्री आ गया, यही तो आपका फंडामेंटल राइट के बारे में बता रहा है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। और उसके बाद आपका चौथे में आ जाता है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ये आपका 36 से लेकर 51 तक है। ये फोर्थ पार्ट हो गया, और फिफ्थ पार्ट, ये फिफ्थ पार्ट आपका 51 के आगे 52 से लेकर 62 तक। इसके बारे में बताता है, राष्ट्रपति के बारे में बताता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है? फंडामेंटल राइट वाला, मतलब पार्ट थ्री फंडामेंटल राइट के बारे में बता रहा है। अगला क्वेश्चन है हु इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट। इनमें से किसको फंडामेंटल राइट का गार्जियन बोला जाता है? गार्जियन हमेशा जुडिशरी को बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को फंडामेंटल राइट का गार्जियन बोला जाता है। सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत। सिंपल सी बात। एक ऑप्शन देखिए क्या लिखा हुआ है, रूलिंग पार्टी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सीजीआई की रिटायरमेंट एज क्या होती है? अभी अभी बताया था, सीजीआई हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज हो, 65 साल ही रिटायरमेंट एज होती है। अगर मैं आपसे पूछूं लोकपाल के चेयरपर्सन की रिटायरमेंट एज क्या होती है, तो ध्यान रखना लोकपाल चेयरपर्सन की रिटायरमेंट एज 70 साल होती है, 70 ईयर्स।
और लोकपाल चेयरपर्सन का कार्यकाल कितना होता है? 5 ईयर, 5 साल का कार्यकाल होता है और 70 साल की एज में वो रिटायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट इलेक्शन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होम, राष्ट्रपति के चुनाव की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी किसकी होती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती है जिम्मेदारी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति की मैक्सिमम एज लिमिट कितनी होती है? आंसर करिए, जरा देखना चाहता हूं कौन आंसर कर पाता है। राष्ट्रपति की मैक्सिमम एज लिमिट कितनी होती है? आंसर करिए, बताइए जल्दी से। विच वन इज द करेक्ट आंसर, 60 साल, 62 साल, 65 साल या नॉट स्पेसिफाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कई सारे हमारे स्टूडेंट आज धतूरा खा के आए हैं। खा के आए हो ना धतूरा? सुबह सुबह पराठे के साथ खा लिया था ना। राष्ट्रपति कितने साल में? 65 साल में रिटायर हो जाएगा क्या? जो लोग नॉट स्पेसिफाइड आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। एक चीज आज के बाद से गांठ बांध लो, गलत नहीं होनी चाहिए। भारत देश के अंदर जितने भी लोग इलेक्टेड होंगे, बात आ रही है समझ, इलेक्टेड का मतलब समझ रहे हो, चुनावी प्रक्रिया के थ्रू जितने लोग आएंगे, ठीक है, उनकी कोई भी रिटायरमेंट एज नहीं है, नो रिटायरमेंट एज। और जितने भी, ध्यान रखिएगा, सिलेक्टेड या फिर सिलेक्टेड ना लिख के इसको लिखो रिक्रूटेड, ठीक है। रिक्रूटेड का मतलब जैसे आप एग्जाम दे के जाओगे आपकी रिटायरमेंट एज होगी, इनकी रिटायरमेंट होगी यस। अब मुझे बताइए, राष्ट्रपति इलेक्टेड है या रिक्रूटेड है? राष्ट्रपति इलेक्टेड हुआ ना, चुनाव होते हैं ना राष्ट्रपति के, उसकी रिटायरमेंट की कोई एज लिमिट नहीं है, ना ही प्रधानमंत्री की, ना ही किसी मिनिस्टर की। ध्यान रखिएगा, हर वो व्यक्ति जो कि चुनावी प्रक्रिया से गुजर रहा है उसकी कोई रिटायरमेंट एज नहीं होगी, इतना ध्यान रखिए, कभी क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा, ओके। और जो रिक्रूटेड होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज होती है। देयर आर हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? एक चीज ध्यान रखिएगा, एक्सेप्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये एक ऐसा व्यक्ति है जो कि ना ही इलेक्टेड है और ना ही रिक्रूटेड है, इसकी भी रिटायरमेंट एज नहीं है, ठीक है, लेकिन ये दोनों ही कैटेगरी से बाहर है, तो एक्सेप्ट ना भी कहें तो भी चल जाएगा। लेकिन गवर्नर के साथ ऐसा नहीं है, गवर्नर के लिए इलेक्शन का प्रावधान है, वो एक अलग बात है कि गवर्नर के इलेक्शन कॉन्फिडेंशियली होते हैं, ठीक है। देयर आर हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी कितनी है, मौलिक कर्तव्य कितने हैं? ध्यान रखिएगा, 11 मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51 में हमें बताई गई है। हु डिसाइंड राष्ट्रपति भवन, प्रेसिडेंट हाउस, जो कि दिल्ली के रायसिना हिल में है, ये इनमें से किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? दिल्ली में ज्यादातर इस तरीके के जितने भी आर्किटेक्ट हैं, वो सब सारे आर्किटेक्चर्स एडविन लुटियंस को ही क्रेडिट जाता है ज्यादातर का, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी री इलेक्टेड टू हिज पोस्ट, भारत के राष्ट्रपति को कितने बार उसकी पोस्ट के लिए इलेक्ट किया जा सकता है? ध्यान रखिए, कोई प्रावधान नहीं है इसके लिए, अनलिमिटेड टाइम, वो जितने बार चुना जाएगा उतने बार वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन अगर अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करें तो अमेरिका का राष्ट्रपति सिर्फ 2 बार चुना जा सकता है, जैसे बराक ओबामा 2 बार चुने गए, ठीक है। और यहां पर हमारे राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का, 5 ईयर, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का होता है। तो आपने देखा था बराक ओबामा टोटल 8 साल सर्व करके गए, 2 टेन्योर के बाद तीसरे टेन्योर पर वो राष्ट्रपति के लिए चुनाव भी नहीं लड़ सकते थे। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, हमारे संविधान के तहत कोई भी व्यक्ति कितने बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, पॉकेट वीटो इज अ पावर ऑफ होम, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, माफ करिएगा, राष्ट्रपति की पावर होती है, बिल्कुल शुरुआत में मैंने आपको तीसरे नंबर का क्वेश्चन कराया था ये। इफ प्रेसिडेंट अप्लाइड पॉकेट वीटो ओवर एनी बिल देन हिज आंसरबिलिटी टू होम, अगर राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो लगा दिया किसी बिल के ऊपर तो उसकी जवाबदेही किसको होती है? लोकसभा स्पीकर को, राज्यसभा चेयरपर्सन को, प्राइम मिनिस्टर को, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसकी जवाबदेही किसी को नहीं होती है, इनमें से तो क्या किसी को भी नहीं होती है, ना ही सुप्रीम कोर्ट को होती है।
तो आंसर होगा नन ऑफ अबव। अगर पॉकेट वीटो लगा दिया राष्ट्रपति ने तो उसको किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, तभी पॉकेट वीटो को राष्ट्रपति की सबसे बड़ी पावर बोला जाता है। पॉकेट वीटो लगाने के बाद वो उस बिल को कितने दिन तक संरक्षित रख सकता है अपने पास? आंसर है नॉट एप्लीकेबल, मतलब इसके लिए भी कोई प्रावधान नहीं है, नो लिमिट, वो अनंत काल तक उस बिल को संरक्षित रख सकता है अपने पास और ना ही कोई उससे सवाल पूछ सकता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय होम, भारत के राष्ट्रपति को इलेक्ट किया जाता है किसके द्वारा? इसकी चुनावी प्रक्रिया में दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट और साथ में स्टेट असेंबलीज, ये सभी मिलकर वोट करते हैं, मतलब कहने का एमपीज भी वोट करते हैं और एमएलएज भी वोट करते हैं इसके लिए, ठीक है। विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो कि हमें राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में बताता है? ध्यान रखिएगा, यह है आर्टिकल 61, महाभियोग के बारे में बताता है। आर्टिकल 62 ऑफिस फिलर के बारे में बताता है। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति के पार्डन पावर के बारे में बताता है। और आर्टिकल 52 राष्ट्रपति के बारे में बताता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक, इंडियन इकोनॉमिक्स के फादर किसको कहा जाता है? इंडियन इकोनॉमिक्स के जनक बोले जाते हैं मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। What is the minimum age limit for the पंचायती राज इलेक्शन? पंचायती राज इलेक्शन के लिए मिनिमम एज कितनी होती है? 21 साल, कम से कम 21 साल उम्र होनी चाहिए, ठीक है। कोई बता सकता है आप इसे, पंचायती राज सिस्टम में महिलाओं के लिए, विमेन्स के लिए कितने परसेंट सीट आरक्षित होती हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए जरा, कितने परसेंट सीट्स रिजर्व होती है महिलाओं के लिए? आंसर करिए जरा, आंसर करिए। मैंने क्या पूछा, पंचायती राज सिस्टम में महिलाओं के लिए कितने परसेंट सीटें आरक्षित होती है? आंसर करो जरा। दिवांशु गुप्ता, बिल्कुल सही और सटीक आंसर। कुछ लोग 50% बोल रहे हैं, कुछ लोग 33% बोल रहे हैं। अब मैं किसकी बात मान लूं, किसकी बात मान लूं भाई? सरस तिवारी 33%, योगेंद्र सोलंकी, जितने भी है 33%। बिट्टू कुमार के लिए जरा तालियां हो जाए सबसे पहले, बिट्टू कुमार के लिए मेरी तरफ से तालियां। इनका कहना है 15% सीटें आरक्षित होती हैं। ठीक है, ध्यान रखना, भूलना मत। आगे बढ़ते हैं, कुछ कहना चाह रहा था मैंने, छोड़ दिया आपको, सुधर जाओ। पंचायती राज इलेक्शन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होम, पंचायती राज सिस्टम किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? लोकल इलेक्शन बॉडीज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी ना, मतलब विलेज के इलेक्शन हो रहे हैं ना, तो जाहिर सी बात है लोकल में कंसीडर करी जाएगी। स्टेट इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये, और इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है केंद्र के चुनावों को कंडक्ट कराना, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़िए और आंसर करिए जरा, पढ़िए और आंसर करिए। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, क्वेश्चन भी दिया हुआ है, चलिए क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं। आपसे कह रहा है ये कौन सा हाई कोर्ट है जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट को कंट्रोल करता है? ये तो पता है ना, एक हाई कोर्ट मल्टीपल स्टेट को मॉनिटर और कंट्रोल कर सकता है। तो भाई आपसे पूछ रहा है कौन सा हाई कोर्ट है जो कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टेट्स को मॉनिटर और कंट्रोल करता है? बॉम्बे हाई कोर्ट, ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट, ध्यान रखिएगा। ये आपका महाराष्ट्र के भी केसेस को देखता है, गोवा के भी केसेस को देखता है, दमन दीव के भी केसेस को देखता है। महाराष्ट्र हाई कोर्ट सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टेट को मॉनिटर और कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, आजाद भारत के पहले लॉ मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, बी आर अंबेडकर, टी एस नरसिम्हा या फिर कैलाश नाथ काटजू? ध्यान रखिएगा, बी आर अंबेडकर पहले लॉ मिनिस्टर थे, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपसे कहूं पहले होम मिनिस्टर कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले होम मिनिस्टर थे। कम से कम ये तीन तो ध्यान रखिए, सबसे बेसिक।
द स्पीकर्स वोट इन लोकसभा इज कॉल्ड, आपसे कह रहा है लोकसभा में जब स्पीकर को वोट करना पड़ता है क्योंकि इसका वोट डिसाइसिव होता है, तो इसके वोट को क्या बोलते हैं? कास्टिंग वोट बोलते हैं। अभी शुरू में बताया था ये सिर्फ टाई के केस में वोट करता है, इसका वोट डिसाइसिव होता है, निर्णायक होता है इसका वोट, ठीक है। और इस टाइम पे हमारे स्पीकर कौन है? ओम बिरला। और प्रोटेम स्पीकर कौन है? वीरेंद्र कुमार खटिक। नाम ध्यान रखिएगा दोनों का। हाउ मेनी नंबर ऑफ एंग्लो इंडियन कैन बी नॉमिनेटेड बाई प्रेसिडेंट इन लोकसभा? इसको हटाई दीजिए, अब कोई मतलब नहीं है इसका। अब कोई भी एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट नहीं किया जा सकता है। अभी अभी मैंने आपको बताया था ये सीटें एससी एसटी को दे दी गई हैं। कौन से संशोधन के तहत? संविधान के लेटेस्ट अमेंडमेंट के तहत, 104th अमेंडमेंट के तहत, 104th। और ये अमेंडमेंट कब हुआ? 2020 में। अगला क्वेश्चन है, इंडियन गवर्नमेंट फिनेंस बिल इज प्रेजेंटेड इन, आपसे कह रहा है जो फिनेंस बिल है वो कहां पर प्रेजेंट किया जाता है? राज्यसभा, लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर सुप्रीम कोर्ट? फिनेंस बिल हो या मनी बिल हो, लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा इज द राइट आंसर। फिनेंस बिल के लिए आर्टिकल कौन सा है? 117, ध्यान रखिएगा। मनी बिल 110 आर्टिकल, बजट के लिए तैयार रहिए, बेहतरीन तरीके से पूरा एनालिसिस दूंगा मैं आपको 1 फरवरी की शाम को बजट पढ़ाऊंगा। इस बार बजट आ रहा है ना, देखते हैं क्या आ रहा है बजट में। बजट के लिए आर्टिकल 112 है और फिनेंस बिल के लिए 117, ठीक है। बजट वरुण अवस्थी यूट्यूब चैनल पर आएगा, ध्यान रखिएगा, शाम को आ जाएगा 5-6 बजे के आसपास 1 तारीख को, तो बजट आप लोगों को मैं वहीं पर पढ़ाऊंगा। अगला क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट फीमेल लोकसभा स्पीकर? भारत की पहली फीमेल लोकसभा स्पीकर कौन है? सुमित्रा महाजन, सुचेता कृपलानी, अरुंधति राय या फिर मीरा कुमारी? विच वन इज द करेक्ट आंसर? यह है मीरा कुमारी, भारत की पहली लोकसभा स्पीकर। हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट? राज्य का पहला लॉ ऑफिसर कौन होता है? जिस तरीके से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देश का पहला लॉ ऑफिसर होता है या देश का पहला मार्शल लॉ ऑफिसर होता है, उसी तरीके से राज्य में एडवोकेट जनरल फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसलिए सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर। यह राज्य सरकार का लीगल एडवाइजर होता है और यह केंद्र सरकार का लीगल एडवाइजर होता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एडवोकेट के लिए कितना आर्टिकल होता है? आर्टिकल 76। अगला क्वेश्चन पढ़िए जरा, मैं पानी पी के कंटिन्यू करता हूं, पढ़िए और आंसर करिए जरा। हाँ भाई, ये कौन है? अंकित कुमार, जीएस कोर्स। सर बेटा जीएस कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जिन लोगों को भी जीएस कोर्स के बारे में जानना है इधर ध्यान दीजिए, फुल जीएस कोर्स जो आना था ये स्टार्ट हो चुका है। आपकी 2 क्लास छूट भी गई हैं, 25 जनवरी से ये शुरू हो चुका है, 21 मार्च तक ये चलेगा। टाइमिंग है इसकी दोपहर में 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक, 90 मिनट की क्लास है इसमें डेली, ठीक है। एक चीज और, जो यहां पर दूसरी चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो ध्यान ये रखनी है कि 25 को ये स्टार्ट हो रहा था, तो 25 और 26 आज इसकी 2 क्लासेस हो चुकी है एंसेंट हिस्ट्री की, तो इसको ज्वाइन करना है तो आप लोग तुरंत कर लो, नहीं तो फिर आपका नुकसान होगा। बाकी आपको बताइए, डिस्काउंट कोड वरुण 777 लगाएंगे तो जो भी डिस्काउंट मिलना होगा मैक्सिमम वो आपको मिल जाएगा। हाँ, तो आपसे पूछ रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ऑफिस टर्म कितना होता है? मैंने अभी आपको बताया था 6 साल का कार्यकाल होता है, ठीक है, 6 ईयर का। और रिटायरमेंट एज कितनी होती है? 65 साल रिटायरमेंट एज होती है। इस टाइम पर हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सुनील अरोरा। यार ये लिख क्यों नहीं रहा है, अब लिखेगा। हाँ जी, तो इस टाइम पर हमारे इलेक्शन कमिश्नर कौन कौन है? जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये तो हैं सुनील अरोरा, और बाकी के 2 कौन हैं? एक हैं राजीव कुमार जी, राजीव कुमार, और दूसरे हैं सुशील चंद्र।
सुशील चंद्र, ठीक है। राजीव कुमार जी ने अभी हाल ही में सक्सीड किया था किसको, अशोक लवासा को। अशोक लवासा अब ये कहाँ चले गए, अशोक लवासा एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट बन गए अब, ठीक है। तो इनकी जगह पर यहाँ राजीव कुमार आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान का यह कौन सा हिस्सा है जो कि पंचायती राज सिस्टम के बारे में बताता है, पार्ट 5, 2, 9 या 11, आंसर करिए जरा, आंसर करिए, देखना चाहता हूं कितने लोग आंसर कर पाते हैं। सुबी का कहना है, इनका क्या कहना है, अच्छा खत्म कब होगी क्लास बेटा, जब 100 क्वेश्चन हो जाएंगे तब खत्म होगी, 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, बताइए जल्दी से। अरे लाइव तो मैं लगभग डेली आ रहा था पागल, लाइव तो मैं डेली आ रहा था, पीपीटी प्रेजेंटेशन में पढ़ा रहा था, आज यहाँ पर खड़े होकर लाइव पढ़ा रहा हूँ, क्लास तो डेली ले रहा हूँ, स्पेशल क्लास भी हो रही है और ऐसे में भी आ रहा था, तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी। कुछ लोग पार्ट 11 वाले हैं, कुछ लोग पार्ट 9 वाले हैं, अच्छा सर ये तो डीपीएसपी का पार्ट है ना, नहीं 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 यही तो गलती हो जाती है, बस यही तो गलती हो जाती है। अभी कोई कह रहा है कि पंचायती राज सिस्टम, ये तो सर डीपीएसपी का पार्ट है, भाई मेरे पंचायती राज सिस्टम जो है ये आर्टिकल 243 में डिस्क्राइब किया गया है, लेकिन आपको जो पूछा जाता है कि पंचायती राज सिस्टम इनमें से कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है, ज्यादातर पेपर में आपको उनमें से एक आर्टिकल 40 दे दिया जाता है ऑप्शन, और आप लोग वही लगा के चले आते हो। आर्टिकल 40 जो है ये डीपीएसपी का हिस्सा है कि नहीं है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसीज, उसमें ये बताया गया है आर्टिकल 40 में कि जो राज्य सरकारें हैं वो अपने राज्य में पंचायती राज सिस्टम को अप्लाई करें पूरे तरीके से, ये है आर्टिकल 40। लेकिन पंचायती राज सिस्टम है क्या, डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक और विलेज लेवल, वो पूरा जो आर्किटेक्चर है उसका, वो सब 243 में बताया गया है, ठीक है, 243 ए बी सी डी करके, जिसके तहत 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, ये 243 डी में बताया गया है, तो ये सब 243 में डिस्क्राइब किया गया है, ना कि 40 में। ऐसे में ही तो गच्चा खा जाओगे अगर ये क्वेश्चन आ गया तो, 40 के हिसाब से क्या लगा दोगे, 40 के हिसाब से आप चौथा पार्ट खोजने लगोगे डीपीएसपी वाला, ठीक है ना। जो लोग 9 आंसर कर रहे हैं सभी का आंसर सही है, समझ गया मैंने क्या कहा, कोई समस्या तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है। और बताइए, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, एनीबडी, ठीक है आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे कह रहा है इन विच ईयर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली अप्रूव्ड द डिजाइन ऑफ नेशनल फ्लैग, संवैधानिक सभा के द्वारा यह कौन सा ईयर है जब हमारे राष्ट्रीय झंडे को अप्रूवल दे दिया गया था, नेशनल फ्लैग को, केसरिया सफेद और हरा बीच में अशोक चक्र, ये 1948 में अप्रूवल दिया गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई बता सकता है जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है इसको किसके द्वारा डिजाइन किया गया, कमेंट बॉक्स में लिखिए जरा, देखता हूं मैं। इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच स्टेट, इंग्लिश इनमें से कौन से राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज है, नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, ठीक है, बताया देखूं, अभी तक किसी ने नहीं बताया। पिंगली वेंकैया का नाम सुना है, शिवम शर्मा, आंसर बिल्कुल सही और सटीक, सबसे पहले शिवम शर्मा इन्होंने सही आंसर बताया, पिंगली वेंकैया, इनके द्वारा हमारा राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन किया गया है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर का क्वेश्चन वैसे बता रहा हूं कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार है, यूटी गवर्नमेंट है, जिसके द्वारा आपकी तमिल एकेडमी बनाई गई है, तो ध्यान रखना तमिल एकेडमी आपकी दिल्ली सरकार के द्वारा बनाई गई है, किसके द्वारा, दिल्ली सरकार के द्वारा, इन्होंने एक और एकेडमी बनाई है, ध्यान रखिएगा कोंकणी एकेडमी, कोंकणी एकेडमी भी बनाई है और तमिल एकेडमी भी बनाई है, दोनों भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए।
और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कितने तरीके की भाषाओं को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया है, या कितनी भाषाओं को हमारे संविधान में जगह दी गई है? 22 भाषाओं को, 22 लैंग्वेजेस को। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वॉज हेल्ड इन इंडिया। ये कौन सा साल है जिसमें पहली बार इलेक्शन भारत में कंडक्ट किए गए थे? 1951 पहली बार इलेक्शन कंडक्ट किए गए थे भारत में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु कंडक्ट्स द स्टेट असेंबली इलेक्शन। स्टेट असेंबली का मतलब समझ रहे हैं, विधानसभा की बात हो रही है, जिसको आप लेजिस्लेटिव असेंबली भी बोलते हो। तो विधानसभा के इलेक्शन कंडक्ट कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन, प्रेसिडेंट या गवर्नर। यहां पर ज्यादातर लोग गलती पता है क्या कर देते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन लगा के, लेकिन ध्यान रखिएगा आंसर आपका सही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। स्टेट असेंबली के जो इलेक्शन है, यहां पर आप स्टेट देखकर लगा देते हो स्टेट इलेक्शन कमीशन, लेकिन ध्यान रखिएगा विधानसभा ये आखिरी इलेक्शन होते हैं, मतलब ऑर्डर के फॉर्म में आखिरी इलेक्शन होते हैं जिनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है। स्टेट इलेक्शन असेंबली इलेक्शन के नीचे के जितने भी इलेक्शन होंगे उनको स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराएगा। जैसे कि पंचायती राज सिस्टम के इलेक्शन कौन कंडक्ट कराएगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन कराएगा। लेकिन विधानसभा और इससे ऊपर के जितने भी इलेक्शन है सबको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंडक्ट कराएगा, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, क्वेश्चन क्या पूछता हूं सीधा ही बता देता हूं, ध्यान रखिएगा। इधर देखिए, आपको यह ध्यान रखना है कि जो यूपीएससी का चेयरपर्सन होता है, ठीक है, इसको अपॉइंट, ये हो गया अपॉइंट और ये हो गया रिमूवल, ठीक है। तो यूपीएससी के चेयरपर्सन को अपॉइंट कौन करता है? राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। और इसका रिमूवल कौन करता है? राष्ट्रपति ही करेगा इसका रिमूवल। लेकिन जब स्टेट पीएससी की बात आ जाएगी तो इसके चेयरपर्सन को गवर्नर अपॉइंट करता है। लेकिन बस यहीं पर दिक्कत आ जाती है, यहां पर इसका रिमूवल जो है ये गवर्नर के हाथ में नहीं है, इसको रिमूव सिर्फ राष्ट्रपति ही कर सकता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी, समझ गए? ये कंफ्यूजन रहता है लोगों में ये चीज। तो यूपीएससी के चेयरपर्सन का अप्रूवल, अपॉइंटमेंट और रिमूवल दोनों राष्ट्रपति के हाथ में है, और स्टेट पीएससी में अपॉइंटमेंट तो गवर्नर के हाथ में है लेकिन रिमूवल उसके हाथ में नहीं है। यही था ना अगला क्वेश्चन? हाँ जी, यही था। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देर आर हाउ मैनी स्पोक्स इन धर्म चक्र। आपसे कह रहा है अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 24 तीलियां। बचपन से पढ़ रहे हो यार ये क्वेश्चन। बाई विच बेसिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस द रेशियो ऑफ माइनॉरिटीज। आपसे कह रहा है हमारे संविधान में अल्पसंख्यकों को किस आधार पर डिस्क्राइब किया गया है? आप किसी को अगर माइनॉरिटी बोलते हो तो किस आधार पर ये डिसाइड करते हो? कास्ट बेसिस पर, कलर बेसिस पर, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन बेसिस पर, या फिर रिलीजन बेसिस पर? ध्यान रखिएगा, सीधी सी बात है, अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी किसी को बोला जाता है तो उनकी नंबर ऑफ पीपल के आधार पर बोला जाता है, ठीक है। अगर उनकी जनसंख्या कम है, टोटल आउट ऑफ जनसंख्या में से एक रेशियो से अगर कम है, तो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि कास्ट हो, कॉम्प्लेक्शन हो या रिलीजन हो, यहां पर तो हमारा संविधान इक्वालिटी रखता है ना। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु हैज नो एनी प्रोविजन टू इंपीचमेंट। भारतीय संविधान के आधार पर इनमें से किसके लिए इंपीचमेंट का प्रावधान नहीं है, मतलब किसको हटाने की प्रक्रिया इंपीचमेंट नहीं है? राष्ट्रपति को हटाना है तो इंपीचमेंट लाना पड़ेगा, सीजीआई को हटाना है तो इंपीचमेंट लाना पड़ेगा, उपराष्ट्रपति को हटाना है तो लाना पड़ेगा, गवर्नर के लिए नहीं है, ठीक है। गवर्नर विद द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट रहता है, राष्ट्रपति जब चाहेगा तब ये हट जाएगा अपनी पोस्ट से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ स्टेट। इनमें से किसको स्टेट का एलिमेंट नहीं कहा जा सकता? पुलिस स्टेट की होती है, गवर्नमेंट भी स्टेट की होती है, आर्मी नहीं होती है, पॉपुलेशन भी स्टेट की होती है, ठीक है। सो आर्मी इज द राइट आंसर। विच आर्टिकल बिलोंग्स टू चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 324 चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में। 72 पार्डन पावर ऑफ प्रेसिडेंट, 61 इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, 370 स्पेशल प्रोविजन फॉर जम्मू एंड कश्मीर।
इन विच ईयर्स इलेक्शन कांग्रेस पार्टी लॉस्ट मेजोरिटी इन पार्लियामेंट फॉर द फर्स्ट टाइम? आपसे कह रहा है आजादी के बाद पहली बार ये कौन से ईयर में ऐसा हुआ था कि कांग्रेस मेजोरिटी में नहीं आई थी, इलेक्शन हार गई थी, बताइए जरा। 75, 76, 77, 78 आंसर करिए। आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस पार्टी कब मेजोरिटी में नहीं आई थी? बताइए जल्दी से। दिवांशु गुप्ता 75, मोहम्मद असद 78, कुछ 77 वाले भी हैं, आनंद पटनायक 77। बड़ा कंफ्यूजन है भाई, बड़ा कंफ्यूजन है। स्थिति गंभीर है, स्थिति सुधारिए, पेपर निकालने में बड़ी समस्या आ जाएगी ऐसे में, ठीक है? स्थिति काफी गंभीर है आप लोगों की, थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, बार बार चीजों को रिवीजन करिए। ये तो आप सुनते ही रहते होंगे अपने घर में भी कि पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, वो तो बड़ी बोरिंग सी स्टेटमेंट हो जाती है, लेकिन मैं बताता हूँ एक्चुअली करना क्या है, बीच बीच में रिवाइज करते रहा करो, ठीक है? जैसे होता क्या है ना, अभी कई सारे स्टूडेंट बीच में बोलने लगते हैं कि सर ये तो रिवीजन क्वेश्चन है, रिवाइज किए हुए क्वेश्चन है, मैं क्यों पढ़ूं? मतलब वो अपने आप को विवेकानंद समझने लगते हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया उसके बाद याद हो गया। क्वेश्चन अभी भी सही नहीं होते हैं, क्यों नहीं सही होते हैं? क्योंकि हम बार बार रीडिंग नहीं करते हैं, ठीक है? तो आप अभी विवेकानंद नहीं हो, उस राह पर आप चल सकते हो, लेकिन वो बनने के लिए अभी काफी परिश्रम लगेगा। तो अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट मत करिए और अंडर एस्टिमेट भी बहुत मत करिए, ठीक है? बस सीधी सी चीज यार दिमाग में रखो कि रिवीजन करते रहना है, रिवीजन करते रहोगे चीजें बेहतर होंगी। 1975 में इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी के द्वारा, 77 तक इमरजेंसी लगी रही थी, 77 में जनवरी के महीने में इलेक्शन होते हैं और 77 में ही जब रिजल्ट आता है इलेक्शन का तो कांग्रेस हार जाती है। 77 इज द राइट आंसर। 77 में पहली बार ऐसा हुआ था 1947 के बाद से जब कांग्रेस इलेक्शन हार गई थी, ठीक है? सो 1977 इज द राइट आंसर। जनता दल की सरकार आई थी यहां पर। व्हाट इज द ऑफिस टर्म ऑफ लोकसभा? लोकसभा का टर्म कितना होता है? 5 साल का टर्म होता है। व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज 65 साल और हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज 62 साल। कैन एनी कैंडिडेट ऑफ अदर स्टेट बाय द लैंड इन जम्मू एंड कश्मीर? कोई भी दूसरे राज्य का व्यक्ति जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकता है? जी हां, अब खरीद सकता है। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल प्रेसिडेंट हैज द राइट टू टेक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट? ये अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन से आर्टिकल के तहत जो राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है। आर्टिकल 143, आई लव यू आर्टिकल भी इसको बोलते हैं, आर्टिकल 143, आई लव यू आर्टिकल इसको पता है क्यों बोलते हैं? ऐसे 1, 4, देखिए 4 है ना, 1, 2, 3, 4, 3, इसलिए इसको आई लव यू आर्टिकल बोलते हैं। आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है, या आप ये भी बोल सकते हो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को एडवाइस दे सकता है। पढ़कर आंसर करिए अगला क्वेश्चन, पढ़कर आंसर करिए जरा। बताइए, बताइए जल्दी से, अभी तक आंसर नहीं आ रहा है। नो आइडिया, चलिए मैं पढ़ देता हूं। हु हैज द राइट टू टेक डिसीजन फॉर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन डिस्प्यूट्स? बिल्कुल सही, जो लोग सुप्रीम कोर्ट आंसर कर रहे हैं सभी का आंसर सही है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित कोई डिस्प्यूट होंगे, आंसर गलत है, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा, ये कौन होगा बताइए? टोटली कंफ्यूज, इसको बोलते हैं कंफ्यूज कर देना।
बने बनाए क्वेश्चन की रेट पीट दिया आपने। एक बार फिर से पढ़ो क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है। हु हैज द राइट टू टेक डिसीजन फॉर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन डिस्प्यूट्स। आंसर करेंगे इसका। आपको पता है ये सारे ऑप्शन ही गलत है, कोई ऑप्शन नहीं है इसमें सही। हमेशा ध्यान रखना, इलेक्शन डिस्प्यूट्स जब भी होंगे वहां जुडिशरी का कोई काम नहीं है बेटा। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। जब भी आपको ये क्वेश्चन मिलेगा हमेशा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ढूंढना, ऑप्शन में जरूर होगा, वही लगाना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग, ठीक है, कोई समस्या तो नहीं, समझ गए। जब भी बात होगी इलेक्शन डिस्प्यूट्स की, सुप्रीम कोर्ट का वहां कोई काम नहीं है। इलेक्शन डिस्प्यूट्स में हमेशा फैसला लेगा इलेक्शन कमीशन। अगला क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स द प्रेसिडेंट इन एब्सेंस ऑफ सीजीआई। जाहिर सी बात है, अगर जैसे देखो राष्ट्रपति को अपॉइंट कौन करता है, सीजीआई अपॉइंट करता है ना, तो अगर सीजीआई नहीं होगा तो कौन अपॉइंट करेगा, सेकेंड मोस्ट सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और सीजीआई अपना रेजिग्नेशन किसको देता है, सीजीआई अपना रेजिग्नेशन राष्ट्रपति को देता है। देखो यहां पर देख लो, राष्ट्रपति को अपना रेजिग्नेशन कौन कौन देता है। सीजीआई रेजिग्नेशन राष्ट्रपति को देगा, वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को देगा रेजिग्नेशन, ठीक है, सीएजी राष्ट्रपति को देगा रेजिग्नेशन, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देगा रेजिग्नेशन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को देगा रेजिग्नेशन, ठीक है, और आपका कौन बचा, सीएजी हो चुका है ना यहां पर, ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को देगा, चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन राष्ट्रपति को देंगे, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उन सब के चेयरपर्सन राष्ट्रपति को ही देंगे रेजिग्नेशन, ठीक है, ये सब प्रेसिडेंट को देंगे। प्रेसिडेंट किसको देगा अपना रेजिग्नेशन, वाइस प्रेसिडेंट को, ओके। अगला क्वेश्चन, वाइस प्रेसिडेंट पासेस द रेजिग्नेशन रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट टू हूम। आपसे कह रहा है जो उपराष्ट्रपति है ये राष्ट्रपति का जो रेजिग्नेशन है वो किसको पास करेगा, मतलब राष्ट्रपति तो उपराष्ट्रपति को देके जाएगा अपना रेजिग्नेशन, अब उपराष्ट्रपति उसका क्या करेगा, अपने घर ले जाके उसमें लहिया चना थोड़ी खा लेगा, क्या करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा ना। ध्यान रखिएगा, वो लोकसभा स्पीकर को देगा, और वो जब लोकसभा स्पीकर को देगा तो उसे लोकसभा में पढ़ा जाएगा, और जैसे ही उसे लोकसभा में पढ़ा जाएगा तो देश को पता लग जाएगा कि राष्ट्रपति महोदय ने रिजाइन कर दिया। समस्या तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है। देखिए कुछ लोग कह रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देगा, तो क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसके ऊपर केस चलाएंगे, केस चलाएंगे क्या कि क्यों कर दिया रिजाइन, केस चलाया जाएगा, बुलाइए, बिल्कुल पागलों वाली हरकतें हो रही हैं। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर राइट टू प्रॉपर्टी हैड एबॉलिस्ड। आपसे कह रहा है राइट टू प्रॉपर्टी, जो संपत्ति का अधिकार है, इसको कौन से साल में खत्म कर दिया गया। 1978 में 44वें संशोधन के तहत इसको खत्म कर दिया गया, ठीक है, 44th अमेंडमेंट के तहत। वॉट इज आर्टिकल 25? आर्टिकल 25 है क्या, आर्टिकल 25 आपको धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल सेज देयर शैल नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन अमंग पीपल इन होटल रेस्टोरेंट शॉप एंड एनी एंटरटेनमेंट प्लेसेस। क्वेश्चन ठीक से पढ़ो, इसका आंसर मुझे आपसे चाहिए, जल्दी जरा आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए, लेट आवाज आप तक पहुंच रही है लेकिन मैं रुका हुआ हूं। ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है,
ठीक है ठीक है। ये कौन है यार जो कह रहे हैं भाई करंट अफेयर आ जाएगा, करंट अफेयर कल रात से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? मैं पढ़ देता हूँ ना, मैं जान रहा हूँ कई लोग तो सही आंसर कर रहे हैं, कोई लोग कंफ्यूज हो गए। देखो आपसे क्या कह रहा है, ये कौन सा आर्टिकल है जो कि हमें बताता है कि लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, होटल में, रेस्टोरेंट में, शॉप में, या फिर किसी भी एंटरटेनमेंट प्लेस पे। आप लोगों ने कई बार देखा होगा या सुना होगा, जैसे बड़े रेस्टोरेंट में कोई गरीब व्यक्ति अगर जाना चाहे खाना खाने, अगर उसके पास पैसे हैं, रेस्टोरेंट में पैसे ही तो लगते हैं ना खाने के लिए, आपने रेस्टोरेंट खोला हुआ है, आप कोई चीज़ वहां बेच रहे हो, भले ही आप सस्ती बेच रहे हो या महंगी बेच रहे हो, वो आपका कॉल है। लेकिन अगर आप जो भी चीज़ बेच रहे हो कोई गरीब भी खा सकता है, अगर वो आपको पैसे दे रहा है तो आपको उसके ऊपर रहम करने की तो जरूरत है नहीं, वो पैसे अपने लेकर आया है, वो आपसे खरीद के खा सकता है। लेकिन उसके बाद भी आप लोग कई बार देखते हो उन्हें एंटर नहीं होने दिया जाता, नहीं घुसने देते ना। कई बार इसी तरीके से एंटरटेनमेंट प्लेसेस में भी होता है, शॉप्स में भी उनके साथ होता है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये गलत है, ये इलीगल है हमारे फंडामेंटल राइट के तहत, और ये आर्टिकल 15 हमें बताता है किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। धर्म, कास्ट, रेस, जेंडर किसी भी आधार पर नहीं होना चाहिए, राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत ही आता है, ध्यान रखिएगा। मूवी भी आई थी आयुष्मान खुराना की, उसमें तो कास्टिज्म के बिहाफ पर दिखाया था। हु सैड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द वाइडेस्ट, दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ इट एंड गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर लॉयर। ऐसा किसने कहा है कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और ये अपने आप में लॉयर्स के लिए, वकीलों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो ध्यान रखिएगा, ये कहना है सर आइबर जेनिंग्स का। क्या नाम है इनका? सर आइबर जेनिंग। अगला क्वेश्चन, द वन एंड ओनली सीजीआई हु होल्ड द डेजिग्नेशन ऑफ प्रेसिडेंट इन एब्सेंस ऑफ इंडिया, एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। आपसे कह रहा है भारत के अकेले सीजीआई कौन है जिन्होंने राष्ट्रपति की एब्सेंस में उनकी पोस्ट को सर्व किया है। ये हैं एम हिदायतुल्ला। एम हिदायतुल्ला भारत के अकेले सीजीआई हैं जिन्होंने 1969 में प्रेसिडेंट की पोस्ट सर्व करी थी। उस टाइम पर राष्ट्रपति महोदय तो थे नहीं, साथ में उपराष्ट्रपति महोदय भी अपनी सीट पर नहीं थे, तो इनको मौका मिला था राष्ट्रपति की पोस्ट सर्व करने का। इनको 1972 में उपराष्ट्रपति की भी पोस्ट सर्व करने का मौका मिला, वाइस प्रेसिडेंट की भी। तो ध्यान रखिएगा एम हिदायतुल्ला अकेले ऐसे सीजीआई हैं। बाकी जो आपके बैचेस हैं ध्यान रखिएगा, यहां पर मैं आपको समझा देता हूं। जो 25 जनवरी से जो बैचेस स्टार्ट हुए हैं, अगर आप आने वाले एग्जाम के लिए एसएससी में प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि मेरे साथ आपकी तैयारी हो सकती है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं मेरे कोर्सेस, तो आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। लगातार अनअकैडमी में आप देख रहे हो फी हाइक हो ही रहे हैं, अभी 25 तारीख को कुछ प्राइस कल के दिन बढ़ चुका है, चैलेंजर्स बैच स्टार्ट हो चुका है, आप इस पर भी ले सकते हो सब्सक्रिप्शन, सफलता बैच भी चल रहा है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए जो मेरा बैच चल रहा है वो आपको इंटेलिजेंस ब्यूरो में मदद देगा, आने वाले एसएससी एग्जाम्स में मदद देगा और सीटी में मदद देगा। इफ यू वांट टू कम ओवर देयर तो आप ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी प्लस को। अगले हफ्ते से प्लस में मैं करंट अफेयर का भी बैच लॉन्च कर रहा हूं, जहां पर 2019 और 2020 दोनों साल के पूरे, इंपॉर्टेंट नहीं, पूरे करंट अफेयर कराने वाला हूं। बाकी अगर आप लोगों को नहीं पता है तो बता देता हूं, आपका अपना जो परिवार है वरुण अवस्थी यूट्यूब चैनल, वहां पर कल और परसों, कल 27 तारीख है, कल शाम को 7 बजे ल्यूसेंट की 14वीं क्लास आ रही है, और उसके बाद 28 तारीख को सुबह सुबह 15वीं क्लास आ रही है। तो लगातार 2 दिन 2 क्लासेस अब मैं लेने वाला हूं वहां पर ल्यूसेंट की। पूरे जो 100-100 क्वेश्चन आपके, टोटल 200 क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो मैं आपके वहीं पर करा दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर कल। फिर कल यहां पर तो मुलाकात होगी होगी रात में, उससे पहले शाम को 7 बजे अपने चैनल पर भी होगी वरुण अवस्थी पर। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उसे भी सब्सक्राइब कर लो, अनअकैडमी के साथ पार्टनर चैनल है वो भी, वहां पर भी मैं क्लास लेता हूँ। कोई समस्या और हो तो बताइए। करंट अफेयर भाई कल रात से आने लगेंगे, मैं आपको बोल रहा हूँ। मिश्रा जी रेगुलर आएंगे, टेंशन ना लो, साथ नहीं छोड़ा है ना आगे भी छोड़ूंगा, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, मेरे पास क्लासेस बहुत होती हैं, मेरे पास सिर्फ एक काम यार होता नहीं है कि करंट अफेयर मेरे को बनाना है। आप देखते हो कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ चला ही करता है, कभी यहाँ क्लास चल रही है, कभी वहां क्लास चल रही है, प्लस में भी क्लास लेनी होती है,
आप समझ रहे हो मेरी आंखें तक नहीं खुल रही, आप खुद देख रहे होगे मैं इतना रिफ्रेशिंग नहीं दिख रहा हूं आपको, खड़ा जरूर हूं आपके सामने, इतनी क्लासेस हो जाती है कि क्या ही करूं। ठीक है, तो बस आपको यही आश्वस्त कर सकता हूं, 2018 से 19, 19 से 20 और अब 21 आ चुका है, साथ कभी नहीं छूटा है, साथ आगे भी नहीं छूटेगा, करंट अफेयर का आगे पीछे बस हो सकता है। आप देखते हो जो भी करंट अफेयर छूट जाते हैं 3-4 दिन के, फिर वो एक साथ दे देता हूं, तो साथ मेरा आपका कभी नहीं छूटेगा, वो ना छूटा है ना छूटेगा, उसके लिए बेफिक्र रहो। ठीक है, आप लोग ये तो सोचा ही मत करो कि आप करंट अफेयर नहीं आएंगे, अरे क्यों नहीं आएंगे यार, हाथ थोड़ी छोड़ दूंगा आपका, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा हाथ बीच में, जब तक सफलता मिल नहीं जाती। कितने सारे सफल होके चले गए और आप भी सफल होके जाओ यहां से, ठीक है, तो बस साथ कभी नहीं छूटेगा, उसके लिए टेंशन ना लो। चलिए अभी की बात यहीं तक रखा जाए, ठीक है, मिलते हैं फिर कल, बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। बाय। आज डायलॉग नहीं बोलूंगा, आज आप लोगों को हताश ना हुआ करो, बस इस भी आप पर दो चार लाइनें बोलूंगा, लाख दलदल ही सही पांव तो जमाए रखिए, मैंने कहा लाख दलदल ही सही पांव तो जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही मगर उठाए तो रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता, कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता, बर्फ बनने तक हौसला तो बनाए रखिए। तो बस इतना ही आपसे कहना है, जरूर बर्फ जमेगी और छलनी में जमेगी, लेकिन बस पेशेंसफुली अपना काम करते रहिए, पेशेंस के साथ धीमे धीमे अपने मकसद की ओर बढ़ते रहिए। दुनिया पार्टी मना रही है, पार्टी मनाने दीजिए, कुछ भी कर रहे हैं करने दीजिए, सेल्फी ले रही है लेने दीजिए, आपका भी टाइम आएगा, उस टाइम का इंतजार करिए, और टाइम उसी का आता है जो अपनी मंजिल की ओर बढ़ता है। अपने आप से ऑनेस्ट रहिए बस, दुनिया की कोई परवाह मत करिए, दुनिया गई तेल लेने, आप अपने आप से ऑनेस्ट रहना सीखिए, दैट्स इट। अगर आप अपने आप से ईमानदार हो, कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। अपने काम से ऑनेस्ट रहिए, अपनी पढ़ाई से ऑनेस्ट रहिए, कल को आपकी नौकरी लगेगी, अपने काम से ऑनेस्ट रहना, आज आपका काम है पढ़ाई करना, अपनी पढ़ाई से ऑनेस्ट रहो, ठीक है, बस ईमानदार बनो, अपने आप मंजिल मिलेगी। देर हो सकती है, देर हो सकती है, अंधेर नहीं होगा, ठीक है, अगर आप ऑनेस्ट हो तो। ऑनेस्ट नहीं हो तो फिर अंधेर में जा सकते हो आप, ऑनेस्ट अगर आप हो अंधेर नहीं होगा, परेशान मत हो, ठीक है। अपने माँ बाप की दुआओं पर हमेशा भरोसा रखो, उनसे दुआओं लेते रहो, उनसे बड़ी दुआएं किसी की नहीं होती है, दूसरों की भी कभी जरूरतमंद की जरूरत पे काम आ जाया करो, बस यही सारी चीजें चलती रहती हैं और आप सफल हो जाओगे धीमे से, टेंशन ना लो, बस ईमानदार रहो। ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर।